बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला हम सब के इलम में बरकत नाजिल फरमाए और हम सब को नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का मजमून है क़यामत का बयान। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। सवाल, क़यामत किस दिन को कहते हैं? जवाब, जिस दिन हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे इस दिन को क़यामत कहते हैं। सवाल, सूर फूकने से क्या होगा? जवाब, सूर फूकने से ये होगा कि तमाम जानदार मर जाएंगे, सारी दुनिया फना हो जाएगी, पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ने लगेंगे, सितारे टूटकर गिर पड़ेंगे, गर्ज ये कि तमाम चीज़ें टूट फूट जाएंगी। सवाल, सूर किस तरह की चीज़ है? जवाब, सिंह के शक्ल की एक चीज़ है। सवाल, सूर कितनी मर्तबा फूका जाएगा और किस लिए फूका जाएगा? जवाब, तीन मर्तबा फूका जाएगा। पहली मर्तबा तमाम जिंदा बेहोश हो जाएंगे, ज़मीन कांपने लगेगी, आसमान बहने लगेंगे, पहाड़ उड़ने लगेंगे, चांद सूरज धुंधले हो जाएंगे और 40 रोज़ तक ऐसा ही रहेगा। फिर दूसरी मर्तबा जब सूर फूका जाएगा तो सब हलाक हो जाएंगे और क़यामत बरपा हो जाएगी। फिर जब तीसरी मर्तबा सूर फूका जाएगा तो सब लोग हिसाब किताब के लिए ज़िंदा किए जाएंगे और इनसे हिसाब किताब लिया जाएगा। सवाल, क़यामत किस दिन बरपा होगी? जवाब, मुहर्रम की 10वीं तारीख और जुम्मा के दिन बरपा होगी।